ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है प्रशांत महासागर की धाराएं। इससे पहले वीडियो में हमने अंध महासागर की धाराएं और धाराओं की उत्पत्ति के कारण की विस्तार से व्याख्या की थी और इस वीडियो में हम प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखने के बाद में आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रशांत महासागर की धाराएं। सबसे पहले जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हमें महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का स्थान देखना है तो वो हमें कौन सा पता होना चाहिए, विषुवत रेखीय। अब मैंने यहां पर आपको प्रशांत महासागर का चित्र दिखाया है, ये प्रशांत महासागर का चित्र है। इसके पहले किनारे वाले स्थान देख लेते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरुआत में देखें, ये वो रूस का हिस्सा है जो एशिया में आता है, रूस का हिस्सा है एशिया में आता है और ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। उत्तरी अमेरिका का ये अलास्का हालांकि किसका हिस्सा है, यूएसए के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा है। तो यूएसए के अलास्का और रूस के बीच में, या यूं कहें कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में यहां पर एक जल संधि है, यहां पर एक जल संधि है। इसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है बेरिंग जल संधि। ये जल संधि पूछ ली जाती है किस किस के बीच में है, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है। देश का नाम ले तो रूस और यूएसए के बीच में, क्योंकि ये कनाडा, यहां पर कनाडा और ये वाला जो हिस्सा है ये है यूएसए, ये यूएसए। तो ये यूएसए की जो मुख्य भूमि है उससे अलग है अलास्का, उससे अलग है, हालांकि पार्ट भी इसका यूएसए का ही है। तो यूएसए और रूस के बीच में ये संधि बनती है, जल संधि नाम है बेरिंग जल संधि, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, इससे जब किनारे किनारे नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर हमें एक सागर मिलता है, इसका नाम है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर, ये इसका नाम है ओखोटस्क सागर। फिर इससे नीचे की तरफ आते हैं तो ये है जापान। जापान, जापान के मुख्य चार द्वीप होकेडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूंसु, होकेडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूंसु जापान के पश्चिम दिशा में, जापान के पश्चिम दिशा में यहां पर एक सागर है जिसका नाम है जापान सागर। जापान सागर, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर जापान के यहां दक्षिण तक आते हैं तो जापान के दक्षिण में यहां पर एक द्वीप है छोटा सा जिसका नाम है रिक्यू द्वीप। अब ये नाम आपने याद रखना पड़ेगा, रिक्यू द्वीप, यहां पर एक द्वीप है रिक्यू द्वीप। इससे जब दक्षिण में आते हैं फिलीपींस के नजदीक यहां पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है फार्मोसा, फार्मोसा द्वीप। ये सारे द्वीप काम आएंगे, अभी महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे तब। फिर ये वाला हिस्सा बोर्निया, बोर्निया नाम सुना होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और बोर्निया, बोर्निया किसका हिस्सा आ जाएगा, ये एशिया का हिस्सा आ जाएगा और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके ऊपर है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहां पर है तस्मानिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहां पर है बास जल संधि, बास जल संधि, ये ध्यान में रखना है, क्लियर है। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ
जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का जो पूर्वी पूर्वी तट है उसके सारे हम देखते हैं क्या क्या चीज स्थित है यहाँ पर। अलास्का के नीचे यहाँ पर है अलास्का की खाड़ी, यहाँ पर है अलास्का की खाड़ी। फिर दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहां पर ये एक खाड़ी बनती है, इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी कहां पर स्थित है? जब हम प्रशांत महासागर में पूर्वी तट के सहारे नीचे की तरफ आते हैं तो यूएसए का भाग है ये कैलिफोर्निया। और फिर यहां पर जो दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा आ जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका का पूरा हिस्सा आ गया। यहाँ पर एक बहुत जो लंबाकार देश माना जाता है जिसका नाम है चिली, तो चिली आ जाएगा यहाँ पर। इस सारे स्थान की हमें जरूरत पड़ेगी, चिली है यहाँ पर, चिली ये ध्यान में रखना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी महासागरीय सहायक करेंगे। यदि आपको ये पता है, यदि आपको ये पता है तो महासागरीय धाराएं बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, आपको पता भी चल जाएगा कौन सी महासागरीय धारा कहाँ पर कैसे चलती है। शुरुआत हम विषुवत रेखा से ही करेंगे और विषुवत रेखा से हमें पता है कैसे कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी धारा चलेगी वो कैसे चलेगी, वो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवतरेखीय क्षेत्र में गमन करेगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी पूर्व से पश्चिम, तो इसका प्रभाव कैसे हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, कैसा होगा क्लॉकवाइज होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज यही करते हैं हम। देखें ये वाला हिस्सा ऐसे, यहां से महासागरीय धारा चलेगी प्रशांत महासागर में, इसका नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ये ध्यान में रखना। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहाँ चल रही है? प्रशांत महासागर के विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में 5 से 10 अक्षांशों के बीच में चलती है। दक्षिण में ये धारा, दक्षिणी गोलार्ध में ये धारा विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या कहलाएगी? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। बहुत आसान है यहां तक। अब जब इस तरफ आएंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे और ये भाग जो है ये भाग समुद्र तल के बड़ा नजदीक है, समुद्र तल के बड़ा नजदीक है, ऊपर उठा हुआ भाग है और बहुत सारे द्वीप दिखाई देते हैं। तो यहां पर ये धारा जो है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, सबसे पहले ये एक भाग इसका उत्तर की ओर मुड़ जाता है, एक भाग उत्तर की ओर मुड़ गया और एक भाग इसका यहां से टकरा करके, इन द्वीप समूह से टकरा करके वापिस ऐसे लौटता है, इस प्रकार लौटता है। जो ये वापिस लौट रहा है भाग, जो धारा वापिस लौट रही है विषुवतरेखीय धारा, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा जो वापिस लौट रही है इसका नाम है प्रति प्रति विषुवत रेखीय धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा। इसको मैं यही छोड़ रहा हूं, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की सारी धाराएं कंप्लीट कर लें फिर इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसका बहुत अहमियत रहेगी, बहुत बड़ा रोल रहेगा। और ये जो धारा है ये भारतीय मानसून को भी प्रभावित करेगी, कैसे करेगी वो मैं अभी बताऊंगा। देखें यहां ये धारा जो है, ये यहां मैंने जो द्वीप बताया कौन सा, फार्मोसा द्वीप, फार्मोसा द्वीप, फार्मोसा द्वीप से लेकर के और रिक्यू तक, फार्मोसा द्वीप से लेकर के और रिक्यू द्वीप तक जापान के दक्षिण में है, यहां तक ये धारा क्या कहलाती है? यहां ये धारा कहलाती है क्यूरोशिवो धारा, क्यूरो शिवो धारा। अब याद रखना क्यूरो शिवो धारा कहाँ चल रही है?
जो विश्वतरे की धारा आगे बढ़ी थी, तब फार्मोसा द्वीप से रिक्यू द्वीप के बीच में कौन सी धारा चल रही है? क्यूरोशिमो धारा चल रही है। क्लियर है? अब ये धारा यहां से दो भागों में विभाजित होगी। एक भाग इसका जापान सागर से होकर के निकलेगा। जापान सागर कहाँ है, मैं शुरुआत में बता चुका हूं। एक भाग इसका जापान सागर से होकर के निकलेगा, और जापान सागर से जो धारा निकलेगी, इस जापान सागर वाली धारा का नाम क्या होगा? इसका नाम होता है सुशिमा धारा। सुशिमा धारा, सुशिमा धारा। अभी तक सारी धाराएं गर्म है। उत्तरी विषुवतरेखीय की धारा गर्म है, क्यूरोशिमो धारा गर्म है, सुशिमा की धारा गर्म है। एक इसका यहां से प्रसार होता है, यहां कहां से? रिक्यू द्वीप से लेकर के और बेरिंग जलसंधि तक इसका प्रसार होगा। ये क्या कहलाएगा? क्यूरोशिमो प्रसार कहलाएगा। इसी का ही भाग है क्यूरोशिमो धारा का ही। क्यूरोशिमो, क्यूरोशिमो प्रसार, प्रसार कहलाएगा ये। क्यूरोशिमो प्रसार कहलाएगा, यदि गूढ़ तरीके से बोले। अक्सर टीचर इसको क्या बता देते हैं? क्यूरोशिमो की धारा ही बता देते हैं। क्लियर है? अब जब ये धारा आगे बढ़ेगी तो एक भाग इसका बेरिंग जलसंधि की तरफ जाएगा, एक भाग इसका अलास्का की खाड़ी में जाएगा, एक भाग इसका यू कैलिफोर्निया के निकटवर्ती भाग से नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा, और एक भाग इसका यहां पर एक धारा आएगी ठंडी, उसमें मिलेगा। अब कैसे होता है ध्यान रखना, जब भी क्यूरोशिवो की बात आ जाए, देखें, जब भी क्यूरोशिवो की बात आ जाए, क्यूरोशिवो को क्या कह देते हैं? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कह देते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कह देते हैं किसको? क्यूरोशिवो की धारा को। ये क्यूरोशिवो धारा जो है, इसको क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। जब ये क्यूरोशिवो प्रसार आगे की तरफ बढ़ेगा तब क्या होगा? देखिए, यहां पर बेरिंग जलसंधि से एक धारा दक्षिण की तरफ यूं आएगी, और यहां पर छोटे छोटे द्वीप है, इसका नाम क्या है? क्यूराइल, क्यूराइल। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, जो बेरिंग जलसंधि से धारा आ रही है, बेरिंग जलसंधि से जो धारा आ रही है उसका नाम क्या है? आयो शिवो, आयो शिवो, ये याद रखना। और जब ये क्यूराई द्वीप समूह के निकट से निकलती है तब इसका नाम एक और भी आ जाता है, क्या? क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा। तो दो नाम है इसके, एक तो आयोशिवो और एक क्यूराइल धारा। उत्पत्ति कहां से हो रही है? बेरिंग जलसंधि से हो रही है, और इसकी प्रकृति कैसी है? ठंडी है, ये ठंडी होती है, और ठंडी होती है इसका जो प्रभाव होता है वो कैसा रहता है? इसका प्रभाव जैसा अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर में जैसे लेब्रेडोर का था ना, लेब्रेडोर का वैसा प्रभाव रहता है। इसीलिए आयोशिवो को क्या कह देते हैं? आयोशिवो को क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं प्रशांत महासागर, महासागर की लेब्रेडोर कह देते हैं, लेब्रेडोर। ये ध्यान में रखना, लेब्रेडोर धारा ठीक ऐसी ठंडी तो यहां पर चल रही है बेरिंग जलसंधि से दक्षिण की ओर यहां आ रही है। कौन सी धारा? आयोशिवो की धारा। उसी का दूसरा नाम यहाँ क्यूराइल द्वीप समूह के पास क्या है? क्यूराइल की धारा। पर प्रकृति में ये है कैसी? ठंडी धारा है, ठंडी धारा है कौन सी? आयोशिवो, आयोशिवो। आयोशिवो का दूसरा नाम क्या है?
प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, प्रशांत महासागर की लैब्राडोर कहते हैं इसको, किसको? आयोशिवो को। ये सेम ऐसा ही होता है जैसे अंध महासागर में लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है और घना कोहरा उत्पन्न करती है, वैसे यहां पर आयोशिवो की धारा और नीचे से दक्षिण की तरफ से क्यूरोशिवो की धारा आपस में मिलती है और घना कोहरा उत्पन्न करती है यहां जापान के नजदीक, जापान के उत्तर में यहां पर। और ये जब कोहरा उत्पन्न होता है गर्म और ठंडी धारा मिलने के कारण, गर्म धारा कौन सी जो ये क्यूरोशिवो है और ठंडी धारा कौन सी जो आयोशिवो है, ये दोनों जब मिलती है घना कोहरा उत्पन्न होता है तब ये समुद्री जीव प्लैंकटन के लिए आदर्श जगह बन जाती है। समुद्री जीव प्लैंकटन इस तरफ आता है, प्लैंकटन मछलियों का भोजन होता है और मनुष्य भी मछलियां पकड़ने के लिए इस तरफ जाता है। इसीलिए जापान और ये वाला देश चीन, जापान और चीन विश्व के बड़े मछली उत्पादक देशों में आते हैं। यही कारण है क्यों, क्योंकि क्यूरोशिवो और आयोशिवो धारा यहाँ पर मिलती है जो मत्स्य उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? तो ये अभी तक एक ही ठंडी धारा, ये कौन सी? आयोशिवो। अब देखें क्यूरोशिवो जब आगे बढ़ेगी तो एक इसका भाग यहां देखें, यहां अमेरिका अलास्का के नजदीक यहां से अल्यूशियन द्वीप समूह है। ये याद रखना, अल्यूशियन द्वीप समूह किसके साथ स्पर्श कर रहे हैं? अलास्का के साथ। तो यहां अल्यूशियन द्वीप समूह है, अल्यूशियन द्वीप समूह के नजदीक से बेरिंग जल संधि की ओर निकलती है एक धारा, यहां अलास्का की ओर आती है, गर्म है यह भी धारा, और एक धारा दक्षिण की तरफ यहां मुड़ जाती है जो कैलिफोर्निया के नजदीक से निकलेगी। अब जब इसकी जब धारा का प्रवाह दक्षिण की ओर हो गया है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ठंडी। और कैलिफोर्निया के नजदीक से निकल रही है तो ये क्या कहलाएगी? कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। अब कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? ठंडी है, ये ध्यान में रखना। कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? ठंडी है। और कैलिफोर्निया की धारा आगे आकर के कहां मिलेगी? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिलेगी। क्लियर है? तो ये सारा एक चक्कर पूरा होता है किसका? उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं का, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं का। अब हम करते हैं दक्षिण में प्रशांत महासागरीय धाराओं का प्रतिरूप कैसा रहता है। देखिए एक धारा जो मैंने इन ऊंचे द्वीप समूह से टकरा करके वापिस जाते हुए बताया था उसका नाम क्या था? प्रतिविषुवत रेखीय धारा। प्रतिविषुवत रेखीय धारा वो यहां तक आ गई थी। जो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है वो जब आगे बढ़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे आगे बढ़ेगी। जब भी ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे आगे बढ़ेगी तो इसका नाम क्या होगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहां से आ रही है? विषुवत रेखीय क्षेत्र से आ रही है, इसलिए ये कैसी होती है? गर्म होती है, गर्म होती है। अब आगे जब ये बढ़ेगी तो मैंने बताया था कि प्रत्येक महासागर के यूं दक्षिण में, प्रत्येक महासागर के दक्षिण में एक प्रवाह बहता रहता है, प्रवाहित तो होता रहता है, इसका नाम क्या होता है? पछुआ प्रवाह। कारण क्या होता है कि प्रत्येक महासागर जिसमें धारा चलती है वहां पश्चिम से पूर्व की ओर ये धारा प्रवाहित तो होती रहती है, इसका नाम पछुआ प्रवाह है क्योंकि पश्चिम से आता है। तो पछुआ प्रवाह के साथ ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा किस तरफ बह जाती है? ये बह जाएगी पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। जब पूर्व की ओर बहेगी तो इसका एक भाग यहां पर उत्तर की ओर मुड़ जाएगा और उत्तर की ओर मुड़ करके यहां पेरू और चिली के नजदीक से निकलेगा। पेरू और चिली, चिली मुख्य है यहां पर, जो मैंने देश आपको बताया भी था।
यहां से निकलेगा और पेरू चिली के नजदीक, पेरू के नजदीक ये अपना जो दिशा परिवर्तन करती है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, पेरू की धारा भी कह देते हैं। पेरू की धारा जो कि है कैसी, ठंडी है, ठंडी है। सबसे पहले पेरू की धारा को एक भूगोलवेत्ता जो जर्मनी के थे, उनका नाम है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट ने देखा था, इसलिए पेरू की धारा को क्या कह देते हैं, हम्बोल्ट की धारा भी कह देते हैं, हम्बोल्ट की धारा भी कह देते हैं। पेरू की धारा का दूसरा नाम हम्बोल्ट की धारा है, ये ध्यान में रखना। अब यहां पर एक कहानी बनेगी, क्या देखें इसको बड़ा आराम से समझना, क्योंकि भारतीय मानसून से संबंधित है ये, भारतीय मानसून से संबंधित। यहां पर दो घटनाएं होंगी, दो घटनाएं कौन सी, एक तो अल निनो की और एक ला निनो की। ये समझाने के लिए पहले मैं इस जगह को खाली कर लेता हूं। ये जो पेरू चिली का हिस्सा है, इसके नजदीक से कौन सी धारा निकलेगी, प्रतिविषुवतरेखीय धारा निकलेगी, प्रतिविषुवतरेखीय धारा। इसके मैं तीन चित्र बना रहा हूं, यहां ध्यान रखना, तीन चित्र बना रहा हूं। पहला कि प्रतिविषुवतरेखीय धारा ऐसे निकले और पेरू चिल्ली की धारा ऐसे निकले, इस प्रकार निकले। यदि प्रतिविषुवतरेखीय धारा क्षीण हो, बहुत कमजोर हो, और पेरू चिल्ली जो अम्बोल्ट की धारा है वो मजबूत हो, मजबूत हो। एक स्थिति तो सामान्य स्थिति है, ये सामान्य स्थिति है। दूसरी स्थिति में क्या है कि जो प्रतिविषुवतरेखीय धारा ये जो जा रही है, ये क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है, और ये जो पछुआ प्रवाह से आके पेरू चिल्ली की जो धारा बनी थी, पेरू की धारा, वो मजबूत हो गई है। तीसरी कंडीशन में कि ये जो प्रतिविषुवतरेखीय धारा चल रही है, ये बहुत मजबूत हो गई है, और जो पेरू की धारा है ये अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है, ये अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है। इन तीनों स्थितियों में क्या घटना होगी, इसको समझते हैं, ये भारतीय मानसून से संबंधित है। देखिए पहला, जब ये दोनों सामान्य चलेंगी, दोनों सामान्य चलेंगी, तो यहां देखें ये जो धारा है प्रतिविषुवतरेखीय धारा, ये गर्म है, गर्म है। पेरू की धारा जो है ये ठंडी है। जब ये एक दूसरे के नजदीक से चलेगी तो बहुत टकराएगी तो नहीं, यहां पर टकराएगी तो नहीं, लेकिन यहां पर जो दक्षिणी अमेरिका का तटीय भाग है, दक्षिणी अमेरिका के तटीय भाग से जो पेरू की धारा है, पेरू की धारा है, इसको किस तरफ खिसका देगी, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, ये पश्चिमी भाग है, तो ये तटीय भाग से दूर कर देगी। कौन सी, जो प्रतिविषुवतरेखीय धारा है, इसको दूर कर देगी। सामान्य स्थिति में सामान्य दूरी इसकी बनी रहेगी, और ये दूरी लगभग कितनी होती है, 150 से 200 किलोमीटर, इतनी दूर कर देती है, ये सामान्य स्थिति है। दूसरी स्थिति में देखते हैं क्या होता है, जब ये धारा क्षीण हो जाए, ये धारा क्षीण हो जाए, कौन सी है, जो प्रतिविषुवतरेखीय धारा है, और ये पेरू की धारा है, ये मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाएगी, तब ये क्या करेगी, इस क्षीण धारा को जो ये दक्षिणी अमेरिका का तटीय भाग है, इसके बड़े नजदीक से बहेगी। कौन सी धारा, पेरू की धारा, और यदि इसके नजदीक से बहेगी, जो पेरू तट सामान्य किसके प्रभाव में रहता था, प्रतिविषुवतरेखीय धारा के प्रभाव में रहता था और गर्म रहता था, तो इस स्थिति में ये पेरू का तट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसके नजदीक से कौन सी धारा बहने लगी है, पेरू की धारा, जिसको हम वोल्ट की धारा कह देते हैं। इससे पेरू की धारा के कारण है, जो चिल्ली का मौसम है, चिल्ली का मौसम है, वहां तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एयर प्रेशर मतलब वायु दाब, वायु दाब यहाँ का ज्यादा
जाता हो जाएगा। अब यदि हम ये सेम स्थिति देखें तो कब कहां घटित होती है, मानसून के काल में जैसा भारत में घटना होती है उसी समय ये भी घटना होती है, जब भारत में मानसून आने वाला होता है तब ये भी घटना होती है। अब देखें यदि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया यदि ज्यादा ठंडा हो जाएगा इसका मतलब यहाँ वायु दाब बढ़ जाएगा, तब यहां से भी जो वायु दाब की पवने हैं वो भारत की हो जाएंगी, क्योंकि भारत में इस समय वायु दाब कम है। दूसरा जो उच्च वायु दाब का केंद्र होगा वो कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि इस ओर से भी और इस ओर से भी दोनों तरफ से उच्च वायु दाब की पवने भारत की ओर, और इस तरफ क्या हो गया, भारत है, तो इन दोनों तरफ से भारत की ओर उच्च वायु दाब की पवने आएंगी। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस घटना को कहते क्या है, इसको कह देते हैं ला निनो। अब आप देखें जब भारत में निम्न वायु दाब है, दो उच्च वायु दाब के केंद्र स्थापित होंगे, एक पेरू चिल्ली के नजदीक और एक ऑस्ट्रेलिया के नजदीक, दोनों उच्च वायु दाब के केंद्र जो पवन प्रवाह कर रहे हैं भारत की ओर, तो वहां पर हमेशा ही मानसून कैसा आएगा, मजबूत होगा। तो ये ध्यान रखना, ला निनो की घटना से हमेशा भारतीय मानसून मजबूत होता है, ये ध्यान में रखना। तीसरी कंडीशन देखते हैं, इससे जस्ट विपरीत, जब भी ये प्रतिविषुवत रेखीय धारा जब मजबूत हो जाएगी और अपेक्षाकृत पेरू की धारा जो है वो कमजोर होगी, और ये किस तरफ ज्यादा स्लाइड हो जाएगी, ये पश्चिम की ओर स्लाइड हो जाएगी, जो सामान्यतः 150 से 200 किलोमीटर दूर रहती है वो लगभग 300 किलोमीटर की दूरी बना लेती है। किससे, इस तट से। अब इस अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तट के नजदीक कौन सी धारा बह रही है, जो प्रतिविषुवत रेखीय धारा है, जो कि कैसी है, गर्म धारा है वो बह रही है। इसका मतलब ये तट कैसा हो गया, ये तट गर्म हो गया है, मतलब इसका ताप उच्च है, तो यहाँ का एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो गया और यहाँ पर तापमान ज्यादा है, सेम ये तभी घटना हो सकती है जब ला निनो ना होगा, तो क्या होगा, ये घटना होगी, तो इस घटना को क्या कह देते हैं, अल निनो। इस घटना को क्या कह देते हैं, अल निनो। से यहां पर कहां पर, दक्षिणी अमेरिका का जो चिली का तट है वहां पर ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। सेम ऐसी स्थिति भारत में भी होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में उच्च वायु दाब का केंद्र कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द तो उच्च वायु दाब का केंद्र होगा। अब एक उच्च वायु दाब का केंद्र है और दो निम्न वायु दाब के केंद्र है, मतलब यहां से जो उच्च वायु दाब की पवने है वो इस तरफ भी जाएंगी और भारत की तरफ भी आएंगी। तो इसका मतलब जितना मानसून आना चाहिए था भारत में वो डाइवर्ट कर दिया यहां पर। तो कौन सी घटना के कारण हो गया, ला निनो के कारण। इसके वजह से क्या होता है, जो भारतीय मानसून है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब ये ध्यान रखना, यदि प्रतिविषुवत रेखीय धारा मजबूत तो भारतीय मानसून कमजोर, और यदि प्रतिविषुवत रेखीय धारा कमजोर तो भारतीय मानसून मजबूत होगा। भारतीय मानसून और प्रतिविषुवत रेखीय धारा का विपरीत संबंध रहेगा, कहां पर, उत्तरी प्रशांत महासागर से जो प्रतिविषुवत रेखीय धारा रिफ्लेक्स होकर के जो द्वीप समूह है वहां से टकरा करके वापिस आ रही है, कहां, पेरू तट के समीप। क्लियर है,
तो ये भारत के मानसून से संबंधित भी है। अब यहां ध्यान रखना कि अल निनो जो है इसको एक विशेष नाम दिया गया है, क्या? यीशु शिशु, ईसा मसीह का शिशु, ये नाम दिया गया है। और ला निनो को भी एक नाम दिया गया है, क्या? यीशु शिशु की छोटी बहन, ये नाम दिया गया है। दोनों ही घटनाएं कहां हो रही है? प्रशांत महासागर में हो रही है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।